यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, ये जो है ना मेरे कबूतर है ना उनके लिए, ठीक है, मिट्टी के। ये देखें, ये प्लास्टिक के रखे हुए ना, बार बार वो ना गिरा देते हैं, वो गैलरी से ना टूट जाते हैं। तो दो ले लिए, एक में ना दाना वगैरह डाल के रख दिया करूँगी, एक में जो ना पानी इनके लिए रख दिया करूँगी, ठीक है ना। ये बड़ा साफ का काम है, आप भी अपने घर में ज़रूर रखा करें, ठीक है जी। ये दोनों लेकर आ गई मैं साथ में जी, टमाटर लेकर आ गई हूँ, 80 रुपये किलो मिल रहे थे, मैंने कहा चलो 4-5 दिन गुजर जाएंगे, अच्छे थे टमाटर साफ साफ। यहाँ पर जी मैं लेकर आई हूँ चाट, बड़े मज़े वाली होती है ये चाट। कौन सी है ये है जी काठियावाड़ी, और इसके साथ ना पापड़ी भी दी है, ये देखें। और साथ में मैं आपको दिखाऊं, इसमें चाट मसाला भी है, ये रहा चाट मसाला। वैसे तो घर में होता है चाट मसाला, ये उन्होंने दिया है। तो साथ में ये देखें ये चने, ये मिक्स होते हैं बहुत मज़ेदार। और साथ में उसने, सॉरी जी, बच्चा जो सामने वाला है ना बहुत चिल्लाता है तो आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। ये प्याज भी उन्होंने दी है, और भी जो व्लॉग में होगा वो आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। ये देखें सब चीज़ें। तो जी यहाँ मैं खा रही हूँ चाट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो जी मज़ेदार वाली मैं लेकर आई हूँ चाट, और मेरा तो दिल कर रहा था खाने के लिए, तो हमने भी खाती है, लाइवा भी खाती है, बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है चाट, ठीक है। कभी मेरा दिल करता है ना तो फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, जाके ना चाट लेकर आ जाती हूँ, बड़े मज़ेदार वाली हमारे यहाँ मिलती है चाट। तो जी ये है काठियावाड़ी जो कहते हैं ना, वो चाट आई है, देखें जी। इसमें ना पापड़ी भी है और ना प्याज भी है, और मिक्स जो ना चने होते हैं इसके अंदर, और ये बहुत मज़ेदार वाली होती है। और जो ना आज मैं कहीं जा रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वहीं जाके, कि मैं किसके घर पे जा रही हूँ और कौन है यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर है, घर में जा रही हूँ, ठीक है जी। तो कुछ काम है मुझे उनसे, तो बस वहीं जा रही हूँ मैं, और फिर आप लोगों को जो ना इस ब्लॉग में नज़र आऊँगी, वो भी नज़र आएंगे आप लोगों को, ठीक है जी। और कौन है तो ये तो आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा, खाएं पिए मौज करें, क्योंकि यही ज़िंदगी। तो फिर मैं चाट खा लूँ, जिसने भी चाट खानी है तो आप आ सकते हैं बहन भाइयों, ठीक है जी। तो मैं खा रही हूँ चाट, किस किस को पसंद है चाट कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, कि मिक्स चाट अच्छी लगती है या दही बड़े के साथ अच्छी लगती है। वैसे तो रमज़ान में हम लोग घर में भी बनाते हैं, बाज़ार की भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो ना जामा कलात की बहुत अच्छी होती है, जामा पे जाए ना आप तो बहुत अच्छी होती है। लालू खेत की भी चाट भी बहुत मज़े की होती है। ऐसे तो ये छोटे छोटे जितने भी मार्केट होते हैं ना, यहाँ की ना चीज़ें बड़ी मज़े मज़े की होती हैं, यकीन करेंगे आप। क्योंकि ना हम लोग ना मतलब बचपन से लेकर अभी तक जो ना हम लोग ना ऐसी ही जगह पर ना जाते रहे हैं ना, तो हमें आदत है। हम ना मतलब किसी और जगह पर चले जाएँ ना, जैसे मतलब के हैदरी मार्केट, उसकी भी चाट भी अच्छी होती है, और वो मेरे घर के पास है, ठीक है, उसकी चाट भी बहुत मज़े की होती है। वो वैसे तो वो मार्केट बहुत सस्ती है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और रंचो लाइन में चले जाएँ तो वहाँ की भी चाट बहुत मज़े की होती है। तो जी मैं खा रही हूँ चाट, और मेरी तो बातें आपको पता है होती रहेंगी, ठीक है जी। तो चलते हैं, फिर मैं चाट खा लूँ, मैं तैयार हो जाऊँ, और फिर उनके घर जाके आपसे मिलते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ कि मैं किन के घर पर जा रही हूँ, ठीक है जी। उनके घर पर मुलाकात हो जाएगी आप लोगों से भी, आप भी देख लीजिएगा कि वो कौन है, ठीक है जी। तो इंतज़ार करना पड़ेगा जी। मैं आई हुई हूँ सनिया भाभी के घर पर, और ये देखें इनका घर नया बनाया है इन्होंने माशाल्लाह से, ये देखें कितना अच्छा बनाया है माशाल्लाह से, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इनका घर, देखें जी। ये ना जैसे ही हम इंटर करते हैं यहाँ से, और ये जो है बरामदा है, और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ये एरोवेला लगाया हुआ इन्होंने माशाल्लाह से, और घर देखें कितना प्यारा बना लिया सनिया भाभी ने, देखें आई मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी सनिया भाभी का घर कितना प्यारा बनाया, और ये ना बरामदा है, इसको भी देखिए कितना अच्छा सेट किया है, ये देखिए पूरी छत कर दी है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह से। तो जी ये अंदर मैं जा रही हूँ, अंदर जो ना सनिया भाभी हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं, ठीक है। आ गई जी सनिया भाभी, ये जी छोटी छोटी जो ना गुड़िया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और आपकी दुआ से खुदा के रहम करम से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज आई हुई है भाभी नौरीन, तो हमें बड़ी खुशी हुई है, आई हैं ये हमारे घर पे, और घर की मुबारकबाद भी दे रही हैं, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि जब अभी न्यू घर बना है तो ये फर्स्ट टाइम आई हैं,
पहले पुराने घर में आई थी ना, जी जी जी, तो ये कह रही है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो घर है, बिल्कुल एकदम जी बहुत प्यारा बनाया माशाल्लाह से, लग रहा बंगला लग रहा मुझे तो, ये जब मैं आई थी ना तो इतना वो नहीं था, जब ये ना मतलब कि शुरुआत ही की थी इन्होंने तो मैं काफ़ी कितने दो हाँ दो तीन महीने के बाद आई हूँ माशाल्लाह से, लेकिन घर बहुत प्यारा है। आपको दिखा रही हूँ मैं, और भी दिखा रही हूँ, अंदर से रूम देखें, और ये देखें जी छोटी जो है ना ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है ना, थोड़ी वीक हो गई है, तो ये दांतों पर आई है, तो कोई नहीं बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं। तो जी कलर देखें कितना प्यारा कराया इन्होंने माशाल्लाह से, ये देखें जी दीवार का कलर देखें, देख रहे हैं आप कितना प्यारा कराया हुआ है माशाल्लाह से, मुझे बहुत पसंद आया। और देखें कितनी मेहनत से, और ये देखें जी, और किचन देखें, किचन तो इनका इतना प्यारा है ना, छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा रखते हैं बहुत। ये मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को व्यूअर्स, मैं जब भी आती हूँ ना इनका घर नीट होता है, और अलग बच्चे भी हैं देखें, लेकिन भाई इतनी सफाई रखती है ना मैं आपको बता नहीं सकती। ये किचन बाहर से हमने शिफ्ट कर दिया ना, मैं गर्मी है ना बहुत गर्मी होती है, तो इसको स्टोर बना दिया है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान वगैरह बर्तन वगैरह रख दिए हैं, और किचन बाहर कर दिया है, और किचन भी देख ले साफ सुथरा है बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह से, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन भाई अपना घर जो है ना बड़े बहुत प्यारा रखती हैं माशाल्लाह से। चले अभी जो है ना मैं कहीं जा रही हूँ, तो वो भी आप लोगों से मिलवाऊंगी कि अभी कहाँ जाना है मुझे, ठीक है जी। तो जी मैं आई हुई हूँ सोनिया भाभी घर पे, तो सोनिया भाभी ये है मेरे साथ, और आप सुनाए कैसे हो? और खाया नहीं, इसलिए कि मैं आपको पता नहीं है कि मैं हूँ मरीजा, और मैं ना प्रेजी खाना खाती हूँ, नहीं तो 100 बिस्मिल्लाह मैं ज़रूर खाना खा लेती, लेकिन अभी जो है ना क्योंकि देर भी हो रही है ना, तो इस वजह से भी ना, और शाम भी हो जाएगी, और मैं अकेली आई हूँ, हाँ अकेली आई हूँ, तो आप लोगों से मिलना भी था, काफ़ी दिन हो गए थे मुलाकात भी हुई थी। तो और भाभी सब ठीक ठाक है, बच्चे ठीक हैं आपके? और थोड़ी धूप भी हो रही है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, हाँ जी बहुत लाइट तंग करती है। तो चलें एक और भाभी है उनसे भी मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो जी इनसे मिले शहजाद भाई की वाइफ, जिनसे मिलने के लिए आई है ख़ास तौर पे, और सन जो सोनिया भाभी से, वकास भाई से, और सनिया भाभी से सबसे मुलाकात हुई है मेरी, और इनसे भी मिलना था। हेलो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा, आप सुनाएं? भाई बिल्कुल ठीक ठाक, तो मुझे ठीक ही रखें, हाँ इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत खुश खुर्रम रखें, तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, और चले बाद में और भी जो है ना उनसे मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। तो जी अभी मैं आके बैठी हूँ, इतनी थक गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो कैसे लगे सब लोग माशाल्लाह से, उनकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं, इतना इतने वो मशहूर हैं माशाल्लाह से, देखा आप लोगों ने, और उनकी उनके घर जाओ ना तो इतनी इज्जत करते ना कि बहुत, क्योंकि खाने का तो बहुत पूछ रहे थे गोपाल भाई भी और सोनिया भाभी भी, लेकिन ना आपको पता ही है कि मैं जो ना मरीज़ हूँ ना, तो मैं खाना नहीं खाती, मतलब ऑयली खाना नहीं खाती, तो बाहर से भी उन्होंने मंगवाया हुआ था, मुझे बहुत उन्होंने जो ना कहा कि नहीं भाभी खा कर जाएँ, लेकिन मैंने कहा नहीं खा सकती बीमार हो जाऊँगी, यूरिक एसिड मेरा बहुत बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने उनके घर पर खाना नहीं खाया। तो बहुत कहते रहे वो लोग, बहुत इज्जत की मेरी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी आदत के हैं, तो कभी आप जाएं तो उनके घर पे तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो कभी लगता ही नहीं है कि वो गैर है, यकीन करेंगे इतनी। और सनिया भाभी की भी आदत बहुत अच्छी है, और वो उनके घर के सामने ही रहती हैं, तो उनसे भी मुलाकात करनी थी, उनसे भी मुलाकात हुई, और जो भाई हैं सनिया भाभी के जो हस्बैंड हैं उनकी आदत बहुत अच्छी है, और यकीन करेंगे कि मैं ना जब गई थी ना, मैं 3 महीने पहले गई थी उनके घर पे ना, जो उनका घर बन रहा था, शुरुआत ही हुई थी, तो माशाल्लाह से अब जब मैं गई तो इतना मुझे लग ही नहीं रहा था कि उनका घर इतना प्यारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया, अल्लाह ताला सबके घर में जो ना बरकत अता करे, रहमत अता करे, जिस घर में जिसका घर नहीं है किराए पर रहते हैं अल्लाह ताला उनको भी अपना घर दे दे, तो आमीन सुमा आमीन। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये कह रही थी कि ना बस जितने भी बड़े हो जाएँ, जितने भी अमीर हो जाएँ, जितने भी आप कामयाब हो जाएँ, तो इंसान को ना बस ये कि भूलना नहीं चाहिए कि हम क्या थे, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह जो ना गोपाल भाई बहुत अच्छी तरह से मुझसे मिले, भाभी बहुत अच्छी तरीके से मिली, उनकी अम्मी बहुत अच्छी तरीके से मिली, और जो है क्या नाम है शहजाद भाई उनकी जो वाइफ है वही बहुत अच्छी तरीके से मिली, आप लोगों ने देखा वीडियो में कैसी लगी हूँ आपको। तो जी बस लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, दुआओं में याद रखिएगा, इस तरह की मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी और आप लोगों के लिए, तो आप देखते रहिएगा। नौरिन के किचन में खाने भी होते हैं, और बहुत सा आपको बताइए, मेरा जो चैनल है वो किचन है का नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें खाने ही बनाए जाएँ, इसमें मेकअप भी आपको दिखाया जाएगा, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है जी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा,
रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खाने पिए मौज कर, क्योंकि यही ज़िंदगी। ठीक है जी, कल मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से और फिर देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, या मार्केट जाऊँगे या खाना पकाऊँगे, जो भी होगा वो ज़रूर आप लोगों से शेयर किया जाएगा। ठीक है जी, तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, रेड कलर का बटन दिया हुआ है, साथ में बेल का भी दिया हुआ है वो भी प्रेस कर देकर, ताकि जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले वो भी फ्री में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।